शिवपुरी में सूंडी से लोगों की सुरक्षित निकाला भाजपा जिलाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री से की बात। एसडीआरएफ की टीमें तैनात, एसडीएम और तहसीलदारों ने किया भ्रमण। कोटा बैराज से अतिरिक्त पानी चंबल नदी में छोड़े जाने और ऊपरी क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण पार्वती और चंबल नदी के जलस्तर पर निरंतर जलस्तर में वृद्धि बनी हुई है। बढ़ते जलस्तर को लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गाँव में होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। लेकर कलेक्टर शुभम वर्मा के निर्देशन पर एसडीएम लोकेंद्र सरल द्वारा राहत टीमों के माध्यम से एहतियात बरतते हुए ग्राम झोपड़ी जलालपुरा से 200 परिवारों को पानड़ी ग्राम में शिफ्ट किया गया। वहीं सूंडी गांव के लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। चंबल और पार्वती नदी के किनारे बसे ग्राम में सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है। नदियों के किनारे बसे ग्रामों में एसडीएम सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार निरंतर भ्रमण कर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके अलावा पटवारी, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, कोटवारों और अन्य मैदानों अमले के माध्यम से जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ एसडीएम लोकेंद्र सरल द्वारा चंबल किनारे बसे ग्रामों में निरंतर भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तलावदा, जैजनी, दातरदा आदि ग्रामों में ग्रामीणों से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। समरसा एक परिवार में 7 लोगों की होमगार्ड की टीम के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। चंबल किनारे बसे ग्रामों के निचली बस्तियों से सतर्कता और सावधानी के चलते लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर सुंडी गाँव में आज 50 लोगों को रेस्क्यू कर अड़वाड़ में सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई। वहीं फिलहाल सुंडी गांव में अब कुल 16 लोग हैं जो पशुओं और प्रॉपर्टी की रखवाली के लिए स्वयं रुके हुए हैं। दूरभाष के माध्यम से भी यह एसडीआरएफ की टीम और राजस्व टीम के निरंतर संपर्क में है। और वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने सुंडी गांव के मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं से श्योपुर मुरैना सांसद केंद्र नरेंद्र मंत्री को अवगत कराते हुए स्थिति से अवगत कराया। भाई साहब, ये सूंडी गांव में क्या है आज, फिर वो चंबल, एक तो चंबल के सारे वो गेट खुल गए, तो 20 से 25 गांव खाली करा लिए। और वो भोपाल वाला पानी भाई साहब पार्वती वाला बढ़ गया, तो अभी सूंडी गांव में हूँ। पिछली बार भी जब आपने सारी व्यवस्था कराई थी तो वो सूंडी फिर टापू बन गया, उन सब लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। मैं उन्हीं के बीच में हूँ अभी। अभी भाई साहब बस ये एक तो क्या है कि अभी तो सारी व्यवस्था तो हम करा लेंगे, आपसे बस ये आग्रह था कि वो एक फॉरेस्ट विभाग की लैंड का चेंज का विषय है, और जब तक आप के आदेश के बिना वो होगा नहीं कुछ भी उसमें। ये पिछली बार भाई साहब एक बार आए थे, अब इनका ये कहना है कि हम तो 100% इस जमीन को देने के लिए तैयार है, बस माननीय सांसद जी हम पर वो कर दे, आशीर्वाद दे दें तो काम ठीक हो जाएगा। लो आप कर लो बात। सर नमस्कार, मनकी साहब, अगली साल भी पूरी फसल गांव नष्ट हो गया, बार भी गांव के पास पानी पहुँच गया, पूरी फसल नष्ट है साहब, तो हम इस जमीन को देखे उस जमीन को लेना चाह रहे हैं सर। ज्ञान वर्मा हूँ टापू में, 10 से आदमी के चंद्रिया सर, आप आई नहीं पाए, आप कहते हैं आ जाओ, डीले नहीं पड़े सर, हम लगातार चल रहे हैं सर। भाई साहब मेरा ये आग्रह था भाई साहब, 31 के बाद जैसे हम लोग आना चाह रहे हैं तो 4-5 लोग इनमें से ले आए, प्रमुख बात करने वाले 31 तारीख के बाद दिल्ली आ जाएंगे, 4-5 लोग ले आएंगे। अभी तो बाकी आपके आशीर्वाद से व्यवस्थाएं सब ठीक हो गई, एक किसान मोर्चा लगा हुआ है, इन्होंने वहाँ भोजन की व्यवस्था भी करा दी है, 500 लोगों का भोजन वहाँ बन रहा है, और अपना खेल प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष है 500 का वहाँ बन रहा है जी।